नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं रकाबगंज दिल्ली के अंदर। हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक मंच को बहुत अच्छे से साझा करते हैं, बहुत अच्छे बनता है। अनिल जी, आपका ऐसे न्यूज में स्वागत है। जय भीम आप सबको, जय भीम और भारत के 125 करोड़ मूल निवासी बहुजनों को जय भीम, और मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर आप सभी को एक बार बहुजन मिशन में स्वागत है। अनिल जी, एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि बहन भाई मायावती का जो पिछला इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर मूर्तियों को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी कि, और बहुजन समाज के लोगों ने उनको अपने से नकारा था कि मूर्तियाँ लगवा दी हैं, क्या मूर्ति लगवाना सही है और क्या है जरा उसके बारे में हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये जो बहन जी ने मूर्तियाँ लगवाई हैं, ये 14 मूर्तियाँ हैं किसकी? ये बुद्ध की मूर्ति, फूले की मूर्ति, पेरियार की मूर्ति, रामा स्वामी नायकर की मूर्ति, कबीर की मूर्ति, चोखामेरा की मूर्ति और बिरसा मुंडा की मूर्ति, काशीराम साहब की मूर्ति। ये 14 मूर्तियाँ मंदिर के अंदर बैठी हुई मूर्तियों को डायरेक्ट चैलेंज करती हैं, ब्राह्मणवाद को चैलेंज करती हैं। ये मूर्तियाँ भारत के बहुजन समाज की, बहुजनों की का सही इतिहास बताती हैं। इसलिए ये मूर्तियाँ बहुत जरूरी हैं। ये अकेली मूर्तियाँ नहीं हैं, ये भारत के बहुजनों का बहुजन इतिहास है। जैसे आप देखेंगे, ये साहू जी महाराज, इन्होंने क्या किया? ये अकेली मूर्ति नहीं है, ये इतिहास है। साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 में 50% आरक्षण दिया बहुजन समाज को, इसलिए मूर्ति लगी हुई है। तो यू ही मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति फूले साहब की है। फूले साहब ने 1800, देखिए बहुजन समाज का आधुनिक आंदोलन 1848 से शुरू होता है, तो फूले साहब की मूर्ति इसलिए लगी हुई है कि इन्होंने गुलामगिरी लिखी और बाबा साहब ने तो फूले साहब को गुरु माना। क्यों माना? इसलिए माना कि फूले साहब ने और सावित्री बाई फूले ने पूरा शिक्षा का आंदोलन चलाया। तीसरी मूर्ति आप देख रहे हैं बहन जी की। बहन जी ये प्रतीक है, एक शक्ति की प्रतीक है, नारी शक्ति की प्रतीक। कौन सी नारी शक्ति की प्रतीक? वो बहुजन नारी शक्ति की प्रतीक जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कराया, जिसको माननीय काशीराम साहब ने आजाद कराया, और आज को काशीराम साहब की पुण्यतिथि है। तो बहन जी ने गौतम बुद्ध एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे से लेकर के गौतम बुद्ध पार्क से लेकर के अम्बेडकर पार्क से लेकर के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई। तो इसलिए बहन जी की मूर्ति है ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, हम अम्बेडकर को पूछते नहीं है, हम अम्बेडकर के विचारों पे चलते हैं, हम अम्बेडकर के विचारों को आचरण में अपनाते हैं, हम अम्बेडकर के विचारों को उनके और उनके जो जो बहुजन आंदोलन की जो दिशा है, उस दिशा में जो उन्होंने कहा कि भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, और वो जो बताया उन्होंने, ये बाबा साहब की मूर्ति, जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि ये मूर्तियों का, ये मूर्तियां नहीं है, ये मंदिरों की मूर्तियों को चैलेंज करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ये वो मूर्ति है जो भारत के पूरे मनवाद को टक्कर देती है, ये वो 33,000 देवी देवताओं को चैलेंज करती है। बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति मनवाद को चैलेंज करती है, जो मनवाद की मनुस्मृति को खत्म करके यहाँ पर समता, मैत्री, भाईचारे की स्थापना करती है। ये है बाबा साहब की मूर्ति, और ये माननीय काशीराम साहब की मूर्ति, ये माननीय काशीराम साहब की मूर्ति, ये जो बिना रिसोर्सेस के लोग, जिनके पास कुछ नहीं है, हमारा बहुजन समाज, ये 85 करोड़ बहुजन लोग जिनको सत्ता से, धन से, हर तरह से, जमीन से, शिक्षा से, रोजगार से, सारे रिसोर्सेस से ब्राह्मणों ने, आर्य ब्राह्मणों ने वंचित कर दिया, तो माननीय काशीराम साहब ने दोबारा कहा, उन्होंने याद दिलाया एक वोट का अधिकार, कि तुम एक वोट के अधिकार से अपनी सत्ता दोबारा ले सकते हो। माननीय काशीराम साहब ने साइकिल चला करके ये बताया कि तुम्हें जरूरत नहीं है इन कारों और हवाई जहाजों से यात्रा करने की, और उन्होंने ये करके दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में सत्ता लाके दिखा दी। मैं यहां से एक संदेश देना चाहता हूं,
माननीय काशीराम साहब का फोटो, ये चित्र चित्र नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज के आंदोलन को आगे ले जाने की बहुत बड़ी प्रतिमूर्त है। ये अगर बहुजन समाज बन गया, 85% बहुजन बन गया, तो सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, तीसरा पक्ष भी आपका होगा, और 85% लोग पार्लियामेंट में कहीं नजर नहीं आएंगे, वो चौथे पक्ष में लगे नजर आएंगे। इसलिए माननीय काशीराम साहब की तस्वीर है, ये तस्वीर पेरियार की है, ये दक्षिण भारत के अम्बेडकर पेरियार ने वही ब्राह्मणवाद को मद्रास तमिलनाडु वहां पर ललकारा, उन्होंने ब्राह्मणवाद को ललकारा, और पूरा दक्षिण भारत के मसीहा जो दक्षिण भारत के अम्बेडकर कहे जाते हैं, पेरियार साहब ने तमिलनाडु में किस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, इसलिए ये मूर्ति लगी हुई है। और वो नारायण गुरु की मूर्ति है, नारायण गुरु ने जाति प्रथा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की और हिंदू धर्म की का आधार है उसको कितनी बुरी तरह से ललकारा, चैलेंज किया, इसलिए नारायण गुरु की है बुद्ध की, और अंत में सबसे कबीर की मूर्ति है। कबीर की क्यों? अरे भाई, कबीर ने जाति प्रथा को ललकारा, ब्राह्मणवाद को चैलेंज किया, इसलिए कबीर की मूर्ति है, और अंत में बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध कौन से बुद्ध? बाबा साहब के गुरु और सारे महापुरुषों के गुरु बुद्ध, वो बुद्ध जो दुनिया पे शासन करता है, एतम बुद्धं शासनम, यही बुद्ध का शासन है। भाई चारे संता बंधुता मैत्री नारी उत्थान सबको आजाद कराने वाले महामानव बुद्ध, जो बुद्ध है जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक निर्माता है, तो इनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। तो बहन जी ने जो मूर्तियां लगाई हैं वो आम मूर्तियां नहीं, किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं लगाई, उन्होंने सामाजिक चिंतकों की, सामाजिक विचारकों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की और सामाजिक उद्धारों की, बहुजनों की मूर्तियां लगाई, जिन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन किया, उनकी मूर्तियां लगाई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मूर्तियां लगी बिल्कुल ठीक लगी हैं, और बहुजन समाज का इतिहास प्रतिबिंबित करती है। और कोई मूर्ति बहुत बढ़िया, आपने बताया कि बहुजन समाज का जो निर्णय था, बहन वाली मायावती का जो निर्णय था वो बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुजन समाज को कहीं जगह नहीं मिलेगी। आज गर्व से लोग लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठ के गर्व से बोलते हैं, जो पहले इस बात के अवहेलना करते थे कि जो बहन कुमारी मायावती ने मूर्तियां लगाई हैं ये बहुत गलत काम किया है, आज वहीं पार्क में बैठ के लोग अपने शादी के रिश्तों को देखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपने परिवार को लेकर सभी को मूर्तियां दिखाते हैं कि ये देखिए ये बहन कुमारी मायावती ने लगवाई है।